हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन 12.22 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का डिस्कस कर रहे हैं, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय दुमाज मेथड एंड जेल्डर्स मेथड। तो दोनों मेथड आपको एग्जाम में लिखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम दुमाज मेथड की बात कर रहे हैं। अ नाउन क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे पास कोई नाउन क्वांटिटी होती है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, राइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्वांटिटी होती है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसको हम हीट करते हैं स्ट्रांगली विद एक्सेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड के साथ इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फ्री नाइट्रोजन इन एडिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो केमिकल इक्वेशन जो यहाँ पे लिखा जाता है, ये कोई हाइड्रोकार्बन है कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसे हम कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं 2x + y/2। तो x टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, y/2 टाइम्स वाटर मिलेगा, z/2 जो है नाइट्रोजन मिलेगा और 2x + y/2 टाइम्स कॉपर मिलेगा। ये रिएक्शन हम पहले भी आपको बताए हैं। द ट्रेसिस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन विच कैन बी रिड्यूस्ड टू डाई नाइट्रोजन। आपको जो है ट्रेसिस में नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा रिएक्शन में, जिसको रिड्यूस करके आप डाई नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पासिंग द गैसेस मिक्सचर आवर हीटेड कॉपर गाज, राइट। जो डाई नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा, इसको कलेक्ट करना आपने एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। तो वॉल्यूम जो नाइट्रोजन का प्रोड्यूस होगा, उसको मेजर करना है रूम टेम्परेचर में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो इतना आपने दुमाज मेथड में जब भी आए तो आप नोट इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जेल्डर मेथड में देखिए, नाउन क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना है, इसमें किसके साथ रिएक्ट करना है, कॉपर ऑक्साइड का। इसमें किसके साथ रिएक्ट करना है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होगा कंपाउंड में, उसको क्वांटिटेटिवली कन्वर्ट करना आपने अमोनियम सल्फेट में। तो इट इज देन डिस्टिल्ड विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया जो इवॉल्व होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज पास्ड इनटू अ नाउन वॉल्यूम ऑफ H2SO4। केमिकल इक्वेशन जो होगा वो आप किस तरीके से लिखेंगे, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट किया तो अमोनियम सल्फेट बन गया ये हमारे पास। अमोनियम सल्फेट को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो सोडियम सल्फेट और अमोनिया और वाटर बन रहे हैं। फिर अमोनिया को H2SO4 से रिएक्ट किया तो अमोनियम सल्फेट बन रहे हैं। द एसिड दैट इज लेफ्ट अनयूज्ड इज एस्टिमेटेड बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वहाँ पे क्या की जाती है, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन की जगह स्टैंडर्ड अल्कली, अल्कली बेस को कहते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड कैन बी डिटरमाइंड। दस द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड कैन बी एस्टिमेटेड। उसी के लिए तो ये मेथड होता है। दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड टू द कंपाउंड्स इन विच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द रिंग, बताए हम आपको। एंड ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रो एंड एजो ग्रुप, वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन सल्फर एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप हैलोजन को कैसे डिटरमाइन करेंगे, सल्फर को कैसे, फॉस्फोरस को कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, राइट। तो देखिए एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, जैसे कैरियस मेथड है तो हैलोजन आर एस्टिमेटेड बाय कैरियस मेथड। इस मेथड में क्या है, नाउन क्वांटिटी लेना ऑर्गेनिक कंपाउंड का और उसे हीट करना है फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। कंटेंट इन अ हार्ड ग्लास ट्यूब कॉल्ड कैरियस ट्यूब, उसे कहेंगे, उसको फर्नेस में रखना है। कार्बन और हाइड्रोजन दैट आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाता है रिस्पेक्टिवली। और हैलोजन प्रेजेंट होगा कंपाउंड में तो वो कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड टू फॉर्म सिल्वर हैलाइड। तो ये सिल्वर हैलाइड फिर इसे फिल्टर किया जाता है, वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है और वेट किया जाता है। जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मास हम जो है एम ग्राम भी रख सकते हैं, डब्ल्यू ग्राम भी रख सकते हैं, और मास जो सिल्वर हैलाइड है उसे आप जो है W1 ग्राम रख सकते हैं, जैसे हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, ठीक है। फिर हमने आपको जो थ्योरीज में फॉर्मूले बताए थे कैरियस मेथड जो पढ़ा है, आप वही फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, वही फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, राइट। सल्फर का एस्टिमेशन के लिए देखिए आप बच्चे क्या करेंगे, इन दिस मेथड सल्फर के एस्टिमेशन के लिए, इन दिस मेथड अ नाउन क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद आइदर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और सोडियम परऑक्साइड इन अ हार्ड ग्लास ट्यूब कॉल्ड कैरियस ट्यूब। सल्फर प्रेजेंट अगर कंपाउंड में होगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में। ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ बैरियम क्लोराइड टू इट प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट टेक्स प्लेस, दिस प्रेसिपिटेशन इज देन फिल्टर्ड वॉश ड्राइड एंड वेड। ये आप थ्योरी लिखेंगे, फिर हमने सल्फर के जो फॉर्मूलाज आपको बताए थे वो फॉर्मूले आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद फॉस्फोरस की एस्टिमेशन के लिए आप क्या बोलेंगे कि हम जो है